रिमूवेबल हुक आने लग गई है, टो हुक है जो, जो 360 डिग्री तक घूमेगा। ये देख सकते हो जी, ये भी बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया करतार ने, जिस साइड मर्जी घुमा लो इसको। ये देखो ये इसका जो पैर नहीं है ये अच्छा। कभी भी नीचे से खराब नहीं होगा। हाँ, ये माउंटिंग के साथ ही अटैच किया हुआ है, कभी भी इसका पैर है जो खराब नहीं होगा। ये देख सकते हो, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये प्लेट के ऊपर नहीं रखा गया जी, ना ही साथ में इसको वेल्डिंग किया गया। वाइब्रेशन पानी की बूंद भी नहीं हल रही, बिल्कुल पानी की बूंदें वैसी खड़ी हैं जैसे थी। ये देखो सती प्लस सीआर है हमारा, अच्छा। इसमें जो क्रीपर स्पीड मोड लगाया गया है, अच्छा, जो इसका ट्रांसमिशन है करतार का खुद का है, और ये ए बी सी डी 4 स्पीड में आता है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों आज पहुंचे हैं जी पीयू लुधियाना मेला में, जहां पे करतार ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर लेके आए जी, खूबसूरत और नए ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं आज। हम जानते हैं भाई साहब से, तो भाई साहब क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाएं। बस बढ़िया जी, बढ़िया। आज कौन सा ट्रैक्टर लॉन्च किया आपने? आज हमने जैसे पहले करतार 960 आया था फोर व्हील ड्राइव में, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टू व्हील में। अच्छा, हाँ जी, टू व्हील में मिलेगा, टू व्हील में भी मिलेगा। तो चलिए फिर इसका स्पेसिफिकेशन जानते हैं ट्रैक्टर का, इसके बारे में बताएं कि क्या क्या नया लॉन्च किया है इसमें। ये हमारा वही जैसे 960 ग्लोब ट्रैक सीरीज वाला ट्रैक्टर है, अच्छा, टू व्हील में, ठीक है जी। इसका जो टायर है फ्रंट साइज का है वो 7.5-16 का है, अच्छा, ठीक है जी। फ्रंट बम्पर की बात करें तो 95 kg वाला बम्पर आएगा, कंपनी फिटेड। अच्छा, 95 kg का है, 95 kg का, ठीक है, बात है। अच्छा, वही इसमें इंजन है जो आपको क्लोस्कर का 4 सिलेंडर इंजन में मिलेगा, 4860। खासियत किसान भाइयों यही है, क्लोस्कर इंजन में करतार का ट्रैक्टर आ रहे हैं जी, जो काफी मजबूत और हैवी ड्यूटी माने जाते हैं। और कितने सिलेंडर में है सर ये? 4 सिलेंडर में आएगा। और पंप कौन सा है? पंप इसमें बॉस का है। अच्छा, बॉस के पंप के साथ है। हाँ जी, वाह जी वाह, हिटिंग गार्ड लगा दिए, ये देख सकते हो। और सर जैसे फ्लैट प्लेटफॉर्म हो गया? हाँ जी, जैसे आपने फोर व्हील में देखा था पूरा ट्रैक्टर हमारा सेम ही है जी, प्लेटफॉर्म खुला डुला प्लेटफॉर्म बनाया है, वो इंडिपेंडेंट क्लच पीटीओ में है। इसका जो ट्रांसमिशन है करारो वाला है, 12+12 स्पीड है, अच्छा, ठीक है। हाई लो मीडियम के साथ शटल लीवर आपको मिल जाता है जी जी, ठीक है। और पीटीओ पावर की बात करें तो पीटीओ पावर इसकी 51 HP की है। अच्छा, 51 HP की है, वाह जी वाह, 60 HP का ट्रैक्टर और 51 HP की पीटीओ पावर। हाँ जी, 540 चक्रों के साथ, 540 ई और ग्राउंड पीटीओ, 3 टाइप इसकी पीटीओ है, जी पीटीओ और ई पीटीओ। हाँ जी, वाह जी वाह, ऊपर से देख सकते हो किसान भाइयों, वाह जी क्या बात है, हाई लो मीडियम में है जी ये, और काफी विद शटल लीवर, शटल लीवर है ना? हाँ जी, 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स, वाह जी वाह। छोटा स्टेयरिंग व्हील है, मीटर देख सकते हो काफी सुंदर है जी। ये रेस का लीवर आ गया, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट रखने हैं बटन के लिए, वो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं कंपनी की तरफ से, यहाँ आप लगा सकते हो। ये शटल शिफ्ट जो गियर है, और ये 4 गियरों की बात करें तो 4 गियर हैं इसमें, हाई लो मीडियम ABC जिसे हम कह देते हैं, और ये आ गया शटल शिफ्ट गियर, 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स। और ये ब्रेक आ गई जी, हैंड ब्रेक जिसे हम कहते हैं, गाड़ियों की तरह हैंड ब्रेक लगाई गई है सर। और इंजन की बात करें तो कितने सीसी का इंजन है इसमें? इसका जो इंजन है सर वो 4860 का इंजन है। अच्छा, 4860 का, 4860 HP में बहुत ज्यादा। आज तक की मार्केट में जितने भी इंजन आए हैं 60 HP कैटेगरी में आपको इतना बड़ा इंजन नहीं मिलेगा, 3800-3900 ही होता था या 4860 का इंजन। और सर और क्या खासियत है बैक साइड से बात करें तो? देखो इसमें 16-18 का टायर आएगा रियर वाला, अच्छा, इसकी जो लिफ्ट की क्षमता है वो 2200 kg की है। अच्छा, 2200 kg की है, ADDC लिफ्ट मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे 540 ई की बात हुई थी, हम इससे आप चेंज कर सकते हैं, 540 ई कर सकते हैं। अच्छा, देखो जी पीटीओ से ही पीटीओ कर सकते हैं ये, अभी इसकी रिमूवेबल हुक आने लग गई है, टो हुक है जो, जो 360 डिग्री तक घूमेगा। ये देख सकते हो जी, ये भी बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया करतार ने, जिस साइड मर्जी घुमा लो इसको, ये देखो काफी मजबूत है ये तो अच्छी। और बाकी ये यहाँ पे बोल्ट लगते थे, यहाँ पे एलकी बोल्ट आ गया ना? हाँ जी, एलकी लगा दी, जो काफी मजबूत है, एलकी मानी जाती है, ये सबसे बेस्ट काम किया। बाकी क्या ना, हमने फेंडरों की टेक्निक भी चेंज की है, जैसे पहले क्या था फेंडर का जो नीचे प्लेटफॉर्म होता था पैर बोल देते ना, वो खराब हो जाते थे। हाँ जी बिल्कुल, अब ये इसका जो पैर नहीं है ये कभी भी नीचे से खराब नहीं होगा, ये माउंटिंग के साथ ही अटैच किया हुआ है, कभी भी इसका पैर है जो खराब नहीं होगा। ये देख सकते हो, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये प्लेट के ऊपर नहीं रखा गया जी, ना ही साथ में इसको वेल्डिंग किया गया, ये अलग निकाला गया इस मरघाट को, और ये प्लेट मोटी लगाई गई है जिससे
तकरीबन फाइबर हुड की बात करें तो साथ में देते हो 60 एचपी का? पूरा हैवी ड्यूटी आरओपीएस है जो कंप्लीट मिलेगी आपको। अच्छा कंप्लीट मिलेगा, हैवी किया है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना। हाँ जी, वाह जी वाह। और इसका जो लीवर है वो कहाँ पे लगाया गया? डिस्ट्रीब्यूटर का जो लीवर है यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे इसका लीवर है जी। ऑपरेट आपको आपको यहाँ से करना है, आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे। वाह जी वाह। और ब्रेक ऑयल जो है और उसका हिस्से देखो, ब्रेक है वो ओआई भी है। हमारी ये खासियत है, हमारा 40 एचपी से लेके 60 एचपी तक आपको पूरे ट्रैक्टर ओआई भी में मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी, सभी में ओआई भी ब्रेक है। ये जो ट्रैक्टर है ये पहले हमने शूट किया था 5936 फोर व्हील ड्राइव में, अब ये टू व्हील ड्राइव में मिलेगा। करतार वालों ने ये भी कर दिया भी, जिसने जो किसान भाई ये मांगते थे भी टू व्हील ड्राइव में लेना चाहेंगे उसके लिए जबरदस्त है, आगे बैटरी रखी गई है। हाँ जी, बाकी खासियत देखो, हमारा जो रेडिएटर है वो कॉपर में आता है जी, बिल्कुल। हमारा जो फैन है वो भी हमारा मेटल का आता है। अच्छा, जो भी लाइफ टाइम चलने वाली चीजें हैं, ज्यादा रखी गई वाली चीजें वही लगाई है हमने। बहुत अच्छी, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोलिक पंप है, कितना मजबूत है, कितना बड़ा है ना, एलकेएम का पंप है। अच्छा, हाइड्रोलिक फिल्टर बहुत बड़ा लगाया है, इसकी सपोर्ट के लिए नीचे से प्लेट है, इंजन की सपोर्ट के लिए दोनों साइड प्लेट लगी है, बिल्कुल बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग है, एडजस्टेबल एक्सल लगाया है इसमें जी। जो हमारा फ्रंट एक्सल सपोर्ट है ये भी कास्ट आयरन का बना है। अच्छा, हाँ जी, पूरा हैवी ड्यूटी है और काफी मजबूत बनाया है ये। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये ट्रैक्टर कंपनी क्या होती है कि सोचती नहीं है इसमें, पर करतार ट्रैक्टर ने ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको सोचा है और हमारे किसान भाइयों के लिए टू व्हील ड्राइव भी लॉन्च कर दिया है। और साथ में ही खड़ा है जी करतार वालों का 5136 प्लस मॉडल जो सिंपल में आता था, अब ये आपको एबीसी गियर में मिलेगा। सर इसके बारे में बताएं, इसमें क्या चेंज किया? 5136 प्लस सीआर है हमारा। अच्छा, इसमें जो क्रीपर स्पीड मोड लगाया गया है। अच्छा, जो इसका ट्रांसमिशन है करतार का खुद का है। हाँ। और ये ए बी सी डी फोर स्पीड में आता है। अच्छा, फोर स्पीड में आता है, जैसे अभी सुपर सीडर स्पेशल ट्रैक्टर है ये। अच्छा, ठीक है। इसका जो इंजन है वो 3 सिलेंडर है, 3120 सीसी का करलोस्कर का इंजन है। अच्छा, एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इसकी जो सर्विस है वो 500 घंटे पे है। अच्छा, सभी ट्रैक्टरों की जो सर्विस अंतराल है वो 500 घंटे पे है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो आप इससे सुपर सीडर चलाएं, कोई और भी जो हमारा इम्प्लीमेंट है धीरे चलने वाला, कोई भी आप इसके ऊपर चला सकते हो। पायदान देख सकते हो, थोड़े लंबे कर दिए हैं ये भी, यहाँ पे भी पायदान थोड़ा वो प्लेट लगा दिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। और जो इसकी पीटीओ पावर की बात करें तो वो कितनी है इसकी? इसकी पीटीओ पावर है जो 43 के समथिंग है, 43 एचपी पीटीओ पावर निकाल। अच्छा, 43 एचपी की? 43 एचपी। और 50 एचपी का ट्रैक्टर है? 50 एचपी का ट्रैक्टर है। बहुत जी बहुत। देखो इसका और भी, जब कस्टमर इसके ऊपर बैठता है और भी बहुत अच्छा फील करता है। अभी इसका क्लच ऐसे है जैसे ये काम ही नहीं कर रहा, इतना स्मूथनेस है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो टाइट ही बहुत होते हैं। आप दो उंगली से भी इसको दबा सकते हो। क्या होता है कि कंपनियों के तो क्लच टांग से भी नहीं दबाए जाते। हाँ जी, जो आपने हाथ से दबा दी। और बैक साइड से डबल एक्टिंग का डिस्ट्रीब्यूटर, डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ये लीवर लगा दिया साथ में। हाँ जी, और इसकी जो लिफ्ट की क्षमता है वो 1800 केजी की है। अच्छा, 1800 केजी की। हम इसकी पीडीओ की बात करें तो इसमें 540 और मल्टी रिवर्स पीडीओ आती है। अच्छा, एमआर पीडीओ के साथ आएगा, सभी गियरों में काम करने वाली पीडीओ। जी जी, आप चलने के साथ पीडीओ को यूज करना चाहते हो, चलाते चलाते भी करो, ट्रैक्टर को न्यूट्रल करके हाई लो न्यूट्रल करके चलाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको यूज में ले सकते हो जी। और ये अजीब 5136 प्लस मॉडल जो किसान भाई 50 एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त मॉडल है। और ये एबीसीडी गियर में निकाल दिया है जो तकरीबन 50 एचपी की कैटेगरी में सबसे शानदार ट्रैक्टर है जी। बाकी अंदर से आप देख सकते हो, इसकी फ्रंट की बात करें इसमें भी 95 केजी का बम्पर आएगा। अच्छा, हैवी ड्यूटी कास्ट आयरन की फ्रंट एक्सल आएगी, 7.5-16 का फ्रंट टायर आएगा, 3 सिलेंडर इंजन आएगा, 3120 सीसी के साथ, है ना। हाँ जी, इसका भी पावर स्टीयरिंग बैलेंस टाइप है, एडजस्टेबल एक्सल है, जैसे बैटरी कटर स्विच, हर एक फीचर हमने इसमें ऐड किया है जी, जो बड़े ट्रैक्टर में होते हैं। हाँ, जैसे इसमें भी लगा है, उसमें भी लगा है। और बैक टायर की बात करें जैसे इसमें, वो 14 के आते हैं, 16 के भी आते हैं? 14-28 का ही आएगा। और इसमें जो 5936 है इसमें 16-28, इसमें 16 का ही आएगा। किसान भाई देख सकते हो ये जो मॉडल खड़ा है जी, ये 4x4 मॉडल है। तो सर इसमें थोड़ा चेंज यही होगा, भी 4x4 कर दिया ये। हाँ जी, जो बाकी सिस्टम वही है, उसका आगे वाला टायर साइज बढ़ गया, 9524 का हो गया, और फ्रंट एक्सल है। अच्छा, वो हमारा करारो का ओरिजिनल आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कहीं से कॉपी लगाई है या उसकी फर्स्ट कॉपी है, आपको ओरिजिनल करारो का बैक एंड फ्रंट एक्सल मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर यदि हम इस 5936 की आवाज़ की बात करें तो एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करोगे ताकि आवाज़ भी देख सके, वाइब्रेशन देखें, है ना। मेन तो ये देख सकते, स्टार्ट करके देखो, आवाज देखो जी क्या बात है, वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन वाइब्रेशन
लगभग पानी की बूंद भी नहीं हल रही, बिल्कुल पानी की बूंदें वैसी खड़ी हैं जैसे थी। ये देखो यहाँ तक कि इसका ये जो शीशा ये भी नहीं हिल रहा, ये देखो। बाकी काफ़ी अच्छी आवाज़ है किरतार ट्रैक्टर ने जो ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं 5936 फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में। टू व्हील ड्राइव काफ़ी आकर्षक होगा मेरे हिसाब से किसान भाइयों के लिए। आप जो नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन के नीचे उस पर जाके आप संपर्क करें और करतार ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लें। तकरीबन 5936 तो 4x4 बहुत अच्छा ट्रैक्टर था, अब जो ये टू व्हील ड्राइव में निकालता है जी ये बहुत ही शानदार है जी। काफ़ी सिस्टम लगे हुए हैं इस ट्रैक्टर में, काफ़ी खुला पायदान लगा हुआ है, काफ़ी ABC गेयर भी हैं और 4160 सीसी का इंजन है जो काफ़ी बड़ा इंजन है 60 HP की कैटेगरी में। फाइबर हुड भी ले सकते हो यदि किसी ने लेना हो। तो ये थी किसान भाइयों करतार ट्रैक्टर की तरफ से जो आज स्टॉल लगा हुआ है PAU लुधियाना मेले में और बहुत ही शानदार ट्रैक्टर लॉन्च किया है टू व्हील ड्राइव में। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं और करतार ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें ताकि नई से नई वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आते रहें जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों।